आप सभी का स्वागत है चंचल किचन एंड ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल से नाश्ता रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है और आधी कटोरी लूंगी मैं दही। हम दही भी इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट पे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी सब्जियां जो हमने ली हैं। ये लिए हमने शिमला मिर्च हरी रंग की, लाल आधा टमाटर लिया है हमने, और पीली शिमला मिर्च ली है। अब इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। तीखापन देने के लिए डाल रहे हैं हम काली मिर्च। साथ में डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी हर्ब्स। स्वाद अनुसार नमक। इन सब चीजों को कर लेंगे मिक्स। अगर आपको लगता है आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसे पानी डाल सकते हैं। हमारा बैटर ठीक है इसलिए हमें इसे पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसे अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे पानी जिससे हमारा सोडा एक्टिव हो जाए। इसको भी कर देते हैं मिक्स। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। हमारे पास हरा धनिया नहीं है, सूखा धनिया है तो हम उसे ऐड कर रहे हैं। इसे 1 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। हमने तवा रख दिया है इसके ऊपर। इसमें हम डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे इस तरीके से फैला देंगे। और जितना बड़ा आपको अपना ये बनाना है नाश्ता आप उस हिसाब से इसे फैला सकते हैं। एक चमचे की सहायता से हम इसके ऊपर इसे डालेंगे। और इसे ढक देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद इसे देखते हैं हम। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर से बिल्कुल सूख चुका है। इसे हल्का सा हम देखेंगे, ये हिलने भी लगा है। इसे हम हल्का से हाथ से उठा के इसे हम पलट देंगे और इस तरफ से भी इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए जिससे अच्छी तरह से सीख जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी अच्छा सीख चुका है। इसे अब हम उतार लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी अपने बना के तैयार करते हैं। हमने अपना दूसरा भी डाल दिया नाश्ता, आप देख सकते हैं। इसे भी हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। हमारा चावल का नाश्ता बनके तैयार है। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।